आपने आप हबीब तंजीर का मशहूर ड्रामा आगरा बाजार है, आगरा बाजार आपका मशहूर ड्रामा है, इसको याद रखना है। आगरा बाजार आपका मशहूर ड्रामा है, हबीब तंजीर का मशहूर ड्रामा होता है तो आगरा बाजार। एक सवाल आता है कि हबीब तंजीर का मशहूर ड्रामा कौन सा है, तो आगरा बाजार है। फिर आप थिएटर के मैदान में मशहूर हो, तुम्हें बेमिसाल खिदमत अंजाम दी, फिर आपने थिएटर के मैदान में बेमिसाल खिदमत अंजाम दी। इस तरह एक थोड़ी सी मुख्तसर सी आपकी सवाल हयात से याद रखना है। और अब आपका बारे में कि आप कहाँ कहाँ कौन कौन से होते पे रहे, तो आप भारत भवन भोपाल के डायरेक्टर हैं। भारत भवन, भारत भवन ये भोपाल के हैं, इसके डायरेक्टर रहे भारत भवन भोपाल के डायरेक्टर रहे। भारत भवन भोपाल के डायरेक्टर रहे और कई अदबी और तहजीबी अदारों ने आपकी खिदमत का एतराफ किया, यानी आपकी खिदमत को माना है कि आप एक बेहतरीन ड्रामा निगाह हैं, ड्रामे के माहिरीन में से। तो कई अदबी और तहजीबी इदारों ने आपकी खिदमत का एतराफ किया। इसके बाद इनको इंदिरा कला विश्वविद्यालय ने डीलिट की डिग्री, कौन सी डीलिट की डिग्री, इंदिरा कला विश्वविद्यालय ने डीलिट की डिग्री और एजाजात से किस किस ने नवाजा, शिखर सम्मान उर्दू अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी और बॉलीवुड इंस्टीट्यूट वगैरह ने आपको इजाजत से नवाजा। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से इदारों ने आपको इजाजत से नवाजा। तो शिखर सम्मान उर्दू अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और बॉलीवुड इंस्टीट्यूट वगैरह ने इजाजत से नवाजा। और सन 1982 में इन्हें पद्मश्री एजाज दिया गया। सन 1982 याद रखना है, 1982 में आपको पद्मश्री एजाज से नवाजा गया, पद्मश्री 1982। एक सवाल ये भी आता अक्सर कि आपको पद्मश्री एजाज से किस सन में नवाजा, तो सन याद रहना चाहिए 1982। सन 1982 में आपको पद्मश्री एजाज से नवाजा गया और आपकी वफात भोपाल में हुई। 2009 में आपकी वफात भोपाल में हुई, जो हमारा शहर है। तो इस तरह यह हबीब तंजीर की मुख्तसर सी सवाल हयात को याद रखना है। एक सवाल ये आता है कि हबीब तंजीर की सवाल हयात लिखिए, तो आपको इसको याद रखना है कि आप जो है 1923 को रायपुर यानी छत्तीसगढ़ में पैदा हुए और आपने इब्तदाई तालीम रायपुर से ही हासिल की और उसके बाद बीए की डिग्री जो है आपने नागपुर से हासिल की और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री के लिए दाखिला लिया, मगर तालीम अधूरी छोड़कर मुंबई आ गए। यहाँ कुछ अरसे तक ऑल इंडिया रेडियो फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हो गए। फिर उसके बाद आप लंदन चले गए, लंदन से रॉयल एकेडमी आप ड्रामेटिक्स में आपने अदाकारी की सनद हासिल की और उसके बाद आपका मकबूल तरीन ड्रामा आगरा बाजार है, ये आपको याद रखना। इस तरह हबीब तंजीर की ये मुख्तसर सी सवाल आया आपको याद रखना है, बुक में भी दी है, आप इसे बुक से भी पढ़ सकते हैं और बुक में एक एक चीज दी है उसे याद करना है, पढ़ना है, इसे अपने कॉपी में लिखना है और बगैर देखे 2-3 बार लिखने की प्रैक्टिस करना है ताकि आपको ये सब मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल
याद हो जाए और इसका लिखने की सही स्पेलिंग याद रहे, जैसे आई इंडिया रेडियो, फिल्म इंडस्ट्री, रायपुर, भारत भवन भोपाल के डायरेक्टर रहे, 1982 में पद्मश्री एजाज से नवाजा गया, ये सब आपको लिखना आना चाहिए। तो इसलिए लिखे इसे बाहर में के दो तीन दिन बाद तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये सवाल हयात आपको याद हो जाएगी। ये बहुत आसान है, ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन उनके लिए तो मेहनत करते हैं। तो आपको बगर देके लिखना है दो तीन बार, तो ये सवाल हयात आपको याद हो जाएगी और इससे ये फायदा होगा कि हबीब तनवीर के बारे में आप मुकम्मल जान जाएंगे कि आपने कहाँ तालीम हासिल की और आप किस किस्म के ड्रामे निकाल रहे हैं। और इससे ये भी याद रखना है कि आपको किस किस इदारों ने कौन कौन से एजाज से नवाजा, तो उन इदारों के नाम याद रखना है, शिखर सम्मान, उर्दू साहित्य एकेडमी और नाटक अकादमी, गालिब इंस्टीट्यूट वगैरह ने आपको एजाजात से नवाजा, और 1982 में पद्मश्री एजाज से नवाजा गया। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम उनका ड्रामा पढ़ेंगे कि ड्रामे में इन्होंने क्या लिखा है। अब जहां तक तो हमने हबीब तनवीर के बारे में पढ़ा, इससे पहले ड्रामा किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा, अब हम इनका जो ड्रामा लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि हबीब तनवीर जो है एक मशहूर शख्सियत है ड्रामे की, और इन्हें 1982 में पद्मश्री एजाज दिया गया। इस तरह आपकी जिंदगी के बारे में ये मुख्तसर सी मालूमात थी, और इसमें सने विलादत भी याद रखना 1923 से, और सने वफात 2009, और भोपाल में आपकी वफात हुई, ये याद रखना। इसके बाद इनका सबक लिखा हुआ है आपकी गेंद, ये ड्रामा है। अब हम हबीब तनवीर के बारे में जान चुके, और अब आपका काम है कि इसको पूरी समान हयात को याद करें और बुक में लिखें, और बगर देखे दो दो तीन तीन बार लिखें ताकि आपको ये सब याद हो जाए, ये अल्फाज की स्पेलिंग याद हो जाए, लिखने में माहिर हो जाए। तो ये जरूरी है कि आप दो तीन बार इसे बगर देखें। अब इनका जो सबक ड्रामा लिखा है इन्होंने, जो हमारा सबक नंबर 5 है, जिसका नाम है आपका दरिया, नहीं आपकी गेंद, आग की गेंद, आग की गेंद, ये इनका ड्रामा का नाम है। और इसमें इन्होंने ये बच्चों के लिए लिखा है, बच्चों की जहनियत को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये ड्रामा तहरीर किया है। बच्चों में जो जहनियत होती है खेल खेल में बहुत सी चीजें सीखने की, तो उन्होंने इस ड्रामे के जरिए बच्चों की जहनियत के मद्देनजर ये ड्रामा लिखा है। और इसमें इन्होंने सूरज और सितारों की जो साइंसी मालूमात है वो बच्चों को दी है। तो इस ड्रामे में कुछ किरदार हैं जिनके नाम हैं, 3 किरदार हैं, किरदार यानी जिसने इस ड्रामे में कितने किरदार हैं, 3 हैं। 3 में एक नईम है, एक खालिद है और एक अली है, 3 लड़के हैं। ये 3 किरदार इस ड्रामे में हैं, और वक्त सूरज तुलू होने से पहले यानी सूरज निकलने से पहले, और जगह है जमीन। तो इस ड्रामे में दरअसल बच्चों को साइंसी मालूमात देने के लिए ये ड्रामा लिखा है, कि बच्चों की जहनियत होती है वो चाहते हैं कि कोई भी चीज खेल के जरिए सीखे, उन्हें खेल से दिलचस्पी होती है, इसलिए उनकी जहनियत को दिमाग में रखते हुए ये छोटा सा ड्रामा लिखा है जिसका नाम है आग की गेंद। इसमें ये बताया है कि सितारे जो हैं बहुत बड़े होते हैं लेकिन जमीन से बहुत दूर है, इसलिए वो हमें छोटे नजर आते हैं। सितारे जो आसमान पर हैं वो जमीन से बहुत बड़े होते हैं लेकिन बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो हमें
बहुत बड़ा है, सितारा है वो बहुत बड़ा है। फिर इसमें हमें बच्चों के जरिए आपस में गुफ्तगू के जरिए ये बताया गया कि हमारी जमीन जो है वो एक छोटी सी जगह है, लेकिन जमीन सितारा नहीं है, वो सैयारा है। सैयारे की स्पेलिंग सी ये तस्दीर सैयारा, और सितारे की स्पेलिंग सी ए आई में सितारा। सितारा और सैयारे का फर्क भी इसमें बताया है, खेल खेल में ड्रामे के जरिए बच्चों के जरिए ये बताया है कि सैयारे और सितारे में क्या वाजा फर्क होता है। सैयारा जो होता है वो उसमें गर्म नहीं होता और सितारा गर्म होता है, सैयारा गर्म नहीं होता। सैयारा जो है गर्म नहीं होता, गर्म नहीं होता, जबकि सितारा जो है वो गर्म होता है, गर्म होता है और इसमें अपनी रोशनी होती है, गर्म होता है। सितारे और सैयारे का ये फर्क है कि सैयारा गर्म नहीं होता और सितारा गर्म होता है। सैयारा जो है सितारे की रोशनी से आईने की तरह चमकता है। सितारे की जो रोशनी है वो सैयारे पर पड़ती है और सैयारा आईने की तरह चमकता है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आईना, जब आईना जो होता है खुद नहीं चमकता बल्कि जब उस पर रोशनी पड़ती है तो चमकता है, तो इसी तरह सैयारा भी खुद नहीं चमकता बल्कि आईने की तरह होता है, जब उसमें सितारे की रोशनी पड़ती है तो वो चमकता है। और सैयारा गर्म नहीं होता, ठंडा होता है, सितारा गर्म होता है। और सैयारा भी सितारा इतना गर्म होता है कि खुद अपनी रोशनी पैदा करता है, सितारा जो है अपनी रोशनी पैदा करता है, इसकी अपनी खुद की रोशनी होती है, अपनी रोशनी पैदा करता है यानी बनाता है। लेकिन सैयारा तो अपनी रोशनी पैदा ही करता, वो तो दूसरे की रोशनी से चमकता है, इसलिए सैयारा जो होता है गर्म नहीं होता, गर्म नहीं होता तो उस पर रोशनी भी नहीं होती। और सितारा जो होता है गर्म होता है और अपनी रोशनी पैदा करता है। तो सितारा और सैयारे का वाजा फर्क बच्चों को बताया गया है। और सैयारे जो है सूरज के गर्द चक्कर लगाते हैं, सैयारे जो है सूरज के आसपास चक्कर लगाते हैं, लेकिन जैसे ये सूरज है, सूरज जो है इसके आसपास जो है सैयारे चक्कर लगाते हैं इस तरह से। और सैयारे सूरज के आसपास चक्कर लगाते हैं। अब ये बात है कि सूरज की रोशनी ना हो तो क्या हो, तो सूरज की रोशनी नहीं होगी तो हर जानदार का जीना मुश्किल है। सूरज की रोशनी ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते, ना हमारे जानवर रह सकते, ना पेड़ पौधे जिंदा रह सकते, क्योंकि सूरज की रोशनी से ही हमें जिंदगी मिलती है। और सूरज की रोशनी ना होगी, ना हवा होगी, ना पानी होगा, ना तेल होगा, ना कोयला, ना गैस, कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह जान हमारी जिंदगी और हर जानदार की जिंदगी नामुमकिन है। सूरज ही से तो हम सारी जिंदगी है और हर जानदार की जिंदगी है। इसलिए सूरज में यह खूबी है कि इसके बगैर जीना मुमकिन नहीं। तो सूरज की अहमियत भी बताई है कि सूरज हमारे लिए बहुत जरूरी है, बगैर सूरज के हम जिंदा नहीं रह सकते, ना हमारे जानवर, ना हमारे पेड़ पौधे। और सूरज नहीं होगा तो ना बिजली होगी, ना पानी होगा, ना हवा, ना तेल, कोयला, कुछ भी नहीं होगा। ये सब सूरज की वजह से है, सूरज की रोशनी का फायदा है जो हम लोगों को मिल रहा है। तो इस तरह सैयारा जो होता है, सितारा क्या होता है, सूरज क्या होता है, ये सब बताया। और उसके बाद ये बताया कि वादी क्या होती है, तो वादी जो होती है वो मैदान को कहते हैं। वादी जो है
उस हिस्से को कहते हैं जो पहाड़ों के दरमियान हो। तो ये बताया है और हमारे दुनिया में पहाड़ है, पहाड़ों के बीच वादी है, पहाड़ों के बीच के जगह को वादी कहा जाता है। इस तरह हमें ये बताया और ये ड्रामा है जिसमें साइंस की मालूमात हम तक पहुंचाई गई। और सैयारे नौ होते हैं लेकिन सिर्फ एक का नाम बताया वो जमीन, और बाकी आठ जो होते हैं वो खुद से पूछ कर लिखना है। तो इस तरह सैयारा, सितारा और सूरज के फायदे बताए कि सूरज हमारे लिए कितना जरूरी है। सूरज के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। सूरज और सूरज के आसपास सैयारे चक्कर लगाते हैं। तो एक छोटा सा ड्रामा है जिसमें तीन किरदार हैं। तीन किरदार के जरिए हमें ये बताया है कि आपस की गुफ्तगू के जरिए कि सैयारा क्या है, सितारा क्या है और वादी किसे कहते हैं, सूरज क्या है, ये सब हमें बताया गया। और तो दो पहाड़ों के बीच की जगह को वादी कहते हैं, ये हमने समझा। और सूरज की रोशनी ना हो तो क्या होगा, तो कोई जिंदा नहीं रह सकता, ना सूरज के बगैर ना जिंदगी ना मुर्दी, ना हम जिंदा रह सकते।